फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं रास मेला देखने के लिए। सो रास मेला झालदा में लगता है, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ रास मेला कैसा लगता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता वहाँ क्या होता है क्या नहीं। मैं वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी, आप लोग भी इंजॉय करो, मैं भी इंजॉय करती हूँ। रानी हीरो है मानुआ नो कपड़ा पहन रहा है। वाह, चाची बोल रही है और हाथों में गेड़ी। साबुन नहीं लगाना ही पड़ते, एक हफ्ता साबुन माफी करेंगे, लेकिन नहीं नहीं लगाना, इसलिए लगा देना। रुक
আপনাদের বহুদিনের সাথী অতি পরিচিত দোকান আপনাদের ভালো লাগার দোকান প্রিয় দোকান বাবন ইমিটেশন সেন্টার বাবন ইমিটেশন চিন্তা করছেন তো চিন্তা করলে সময় নষ্ট হবে আর সময় নষ্ট হলে আপনি বাড়ি চলে যাবেন মেলা থেকে কিন্তু আপনার কেনা হবে না দারুণ দারুণ কালেকশন सो फ्रेंड्स मैं रासमेला से घूम के घर आ गई क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ था जैसे कि आप वीडियो में देखे इतना सारा भीड़ था तो मैं ठीक से तो सूट नहीं कर पाई पर मैंने जितना कर पाई उतना किया है तो बहुत लेट हो गया था आई थिंक 12 बज चुके थे रात के तो मुझे सूट करना अच्छा नहीं लगा और मैं बहुत थक चुकी थी तो मैंने सोचा कि छोड़ देती हूँ अब वीडियो सो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना मुझे पता है आप लाइक तो करोगे ही बट फिर भी बोल रही हूँ लाइक कर देना और न्यू हो तो सब्सक्राइब करना करोगे ना सब्सक्राइब सो कर देना हाँ सो फिर मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और मैंने जैसे कहा था कि ये रासमेला जो है वो झालदा में लगता है बट मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये झालदा में नहीं लगता ये पुरुलिया में लगता है मैं वहाँ गई तब जाके मुझे पता चला मैंने मेरे भैया से पूछा तो उन्होंने कहा कि झालदा में नहीं लगता है पुरुलिया में लगता है तो मुझे पता नहीं था तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे पता नहीं है कैसा लगता मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो सो ये रासमेला झालदा में ही लगता पुरुलिया में लगता है तो बाय बाय फ्रेंड टेक केयर गुड लक